इस न्यूज के प्रायोजक हैं। कोटा करियर हब बालाघाट, अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। महानगरों जैसे बालाघाट जिले में भी लगातार साइबर ठगी का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। अभी हमने एक दिन पहले ही करेंसी बदलने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की खबर प्रकाशित की थी, तो उसके बाद पुनः शहर के इंग्लिश स्कूल के बच्चे के माता पिता को साइबर ठगों द्वारा फेक कॉल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके बच्चे किसी अपराध में फंस गए हैं। यदि वह अपने बच्चों को छुड़वाना चाहते हैं तो फोन पे के माध्यम से मोटी रकम दें, तब वह बच्चे को छोड़ेंगे। आपको बता दें कि जिले में साइबर अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब बालाघाट जिले में महानगरों जैसे बड़े बड़े साइबर अपराध घटित हो रहे हैं। जैसे महानगरों में अधिकतर साइबर अपराध घटते हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे या फिर बड़े घरों के बच्चे जो नशे की लत के आदि हो जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है, उसी प्रकार साइबर ठगों द्वारा जिले में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता को फ़ोन कर बता रहे हैं कि उनके बच्चे ड्रग्स के साथ पुलिस ने पकड़ा है, तो कोई बता रहा है कि मैं थाने से बोल रहा हूँ और आपका बच्चा हनी ट्रैप के मामले में पकड़ा गया है। यदि वह अपने बच्चे को छुड़ाना चाहते हैं तो वह बड़ी मोटी रकम देकर बच्चों को छुड़वा लें, तो इस प्रकार के फ़ोन कॉल इन दिनों बीते एक महीने से शहर के इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिताओं को आ रहे हैं एवं एक फ़ोन स्कूल के प्रिंसिपल को आया, तो उन्होंने बीते दिनों घट रही घटनाओं को देखते हुए इसकी सूचना तुरंत कोतवाली थाने को दी, जिस पर साइबर नोडल शाखा में इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने बच्चों के माता पिता को भी इसकी सूचना जारी कर दी है कि यदि कोई भी अन्य नंबर से फ़ोन कर बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी देता है तो वह पहले उसे सही न माने और सबसे पहले स्कूल प्रबंधन से ही संपर्क करें, क्योंकि अधिकतर फ़ोन कॉल इन दिनों साइबर ठगों द्वारा किया जा रहा है। वहीं गर्ल्स कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी विनोद ठाकुर द्वारा पद्मेश 24/7 को दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया गया कि वह अभी कुछ दिन पहले ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने 9:30 बजे गए हुए थे और 10:30 बजे जब वह गर्ल्स कॉलेज अपनी ड्यूटी पर चले गए थे तब उन्हें अन्य नंबर से फ़ोन आया था और उनके द्वारा पूछा जाने लगा कि उनके बच्चे का क्या नाम है और वह कुछ बच्चों के साथ किसी आपराधिक घटना में इंग्लिश स्कूल के गेट के पास पकड़ा गया है, यदि आप छुड़ाना चाहते हैं तो बताएं, और वह कहने लगा कि उनका बेटा घटना से बहुत डरा हुआ है और वह रो रहा है। तभी विनोद ठाकुर द्वारा बातों में ही इसकी जानकारी अपने साथी को दे दी गई और वह उसे अधिकारी से पूछते रहे कि वह कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा है। तब उन्होंने कहा कि वह साइबर थाने भोपाल से SHO बोल रहे हैं। तब विनोद ठाकुर द्वारा कहा गया कि साइबर थाने में कोई SHO पद नहीं होता है और जो नंबर से आपने फ़ोन किया है वह नंबर यहाँ का नहीं है। इतनी बात करते ही वह इंग्लिश स्कूल पहुँच गए। तब तक 4:30 मिनट की बात के दौरान उन्होंने फ़ोन काट दिया और उन्होंने देखा कि बेटा सकुशल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने स्कूल प्रबंधन और संबंधित विभाग से भी की है। श्री ठाकुर ने बताया कि यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस प्रकार से इंग्लिश स्कूल के बच्चों के माता पिता जिस प्रकार से इस फोन आ रहे हैं उसे देखकर यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश स्कूल के बच्चों के माता पिता के नंबर का डाटा लीक हो गया है। मुझे मई के महीने में एक कॉल आया था, व्हाट्सएप कॉल, और वो ऐसा लग रहा था कि पुलिस का एक बड़ा अधिकारी मुझे कॉल कर रहा है और उन्होंने तो ये ऐसा बताया कि आपके बच्चे इसमें कुछ घटना में फंस गया है और आपको इतना 50,000 दीजिए, ऐसा करके गूगल का अकाउंट नंबर, गूगल पे का अकाउंट नंबर भी दिया था, लेकिन मैं उसमें ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ पर एक सुपरवाइजर विजय अजय पांडे हैं, उन्होंने मेरे से वो मेरा मोबाइल लिया और उन्हें बोला कि हम थाने में बैठे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं, फोन कट गया, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फेक कॉल ही थी सर, फेक ही कॉल। इसके बाद एक दो बार भी आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। व्हाट्सएप कॉल को उठाना अनोन नंबर से आता है तो उसको अवॉइड करना ज़्यादा उचित है। हाँ सर, सही बात है, अभी 1.5 महीने से आ रही है और कुछ पेरेंट्स को डायरेक्ट जैसे स्कूल टाइम पे ही जाती है, टेलीकॉलिंग जाती है उनको डायरेक्ट, और ऐसा बताया जाता है कि बच्चे आपके हमारे कस्टडी में हैं और कुछ ड्रग्स से पकड़ा गए हैं से बाहर या कुछ अलग केस बता के, तो कुछ जानकारी हमारे तक पहुँची और वेरीफाई किए, तो हमने भी पेरेंट्स को समझा ऐसे सब फेक कॉल्स हैं, तो ये डराया जा रहा है, मतलब बच्चों को पेरेंट्स को डराया जा रहा है बच्चे के नाम से, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी सभी पेरेंट्स को सूचना भी कर दी है हमारी तरफ से कि पेरेंट्स पैनिक ना हो
अगर ऐसे कुछ कॉल्स आ रही है तो स्कूल में पहले वेरीफाई कर लें और उसके बाद अगर सही रहा तो अपन एक्शन लेंगे। लेकिन उसके अलावा हमने भी पुलिस अधिकारी को हमारी संदेश पहुंच गए, लेटर हमने ऑलरेडी छोड़ दिए, साइबर में भी छोड़ दिए कि इस विषय पर जरा ध्यान दें और पेरेंट्स को जरा उस विषय में समझा कर इसको ठंडा करें। लेकिन पेरेंट्स अभी भी बहुत सीरियस हैं इस विषय में। लगभग ऐसे कितने केस आए हैं? अभी तो एक महीना हुआ है हमारा स्कूल चालू के, जुलाई से, और जून 24 से समझिए अभी लगभग एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी 4-5 केस आ गए हैं। और हमारे यहाँ के एक सर के भी आई है, तो ये सब चीज़ें सब फेक कॉल है, तो घुमा फिरा के पेरेंट्स को पैसे वसूलने की एक तरीका बना दिया। अभी कोई किसी तरह का नहीं, उसके पहले हमने जरा अलर्ट होकर, पेरेंट्स भी अलर्ट थे हमारे जितने भी, तो हमारे स्कूल में कॉल करके उन्होंने वेरीफाई कर दिया, तो ऐसे कोई केस फंसे नहीं कोई तो है, तो बाकी पेरेंट्स को भी हमने अलर्ट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि सभी पेरेंट्स को कि आप अलर्ट रहें और ये चीज़ों को ज़्यादा ध्यान न दें और इग्नोर करें।